व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आसिम और हाउ टू उर्दू की जानिब से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अडोब फोटोशॉप में उर्दू टाइप कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इसके लिए इन पेज की ज़रूरत होगी। इन पेज में आपने जो कुछ भी टाइप करना है, उर्दू में लिखना है, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जैसे मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पे फाइल पे जाना है और फाइल के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज पे आ जाना है। एक्सपोर्ट पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये जो सेव एज टाइप, ये सेंकड़ वाला सेलेक्ट कर लेना है टाइप, और यहाँ पर आपने कुछ भी टाइप कर देना है। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अडोब और यहां से मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद यहां पे आप ओके प्रेस कर दीजिएगा और आपका जो है इन पेज का काम ख़त्म हो गया। आप इसके ओपन कर दीजिएगा और इसके बाद मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं अपना फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आप यहां पे फाइल पे आइए और यहां से ओपन कर लीजिए। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस ओ, और इसके बाद आप यहाँ से वो सर्च कर लीजिए जो आपने सेव की थी फ़ाइल। तो मैंने ये देखें, ये adobe.eps फॉर्मेट में है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब इसको ओके प्रेस कर दें और आपके पास ये फाइनली इस तरह से आपका जो उर्दू में टाइप किया हुआ टेक्स्ट है इस तरह से आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन, यहाँ से आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसको पकड़ कर यहाँ आकर इसमें ड्रैग कर दें। ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। आप कंट्रोल टी दबाएंगे तो आपके पास ये जो है, इसको छोटा बड़ा करने के लिए ये टूल आ जाएगा। आप इसको जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें और इसके बाद आप इस पे इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करें जो आपका दिल चाहे। आप यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और यहाँ से इसके ऊपर शेडो वगैरह अप्लाई कर सकते हैं जैसा आपको दिल चाहे। तो इस तरह से आप अपने एडोब फोटोशॉप में जो है उर्दू टाइप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आज आपको बताया, ठीक है। आप इस तरह से अपने एडोब फोटोशॉप में जो है उर्दू टाइप कर सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।